देखिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे एचपी, आईपी और एलपी टरबाइन्स के बारे में। टरबाइन में तीन स्टेजेस होती हैं। पहला एचपी हाई प्रेशर टरबाइन, दूसरा आईपी इंटरमीडिएट प्रेशर टरबाइन, तीसरा एलपी लो प्रेशर टरबाइन। और ये तीनों स्टेजेस टरबाइन की कंबाइंड होती हैं, मतलब एक टरबाइन की ये तीन स्टेजेस हैं। एचपी टरबाइन में टेम्परेचर एंड प्रेशर सबसे अधिक होती है। आईपी टरबाइन में टेम्परेचर एंड प्रेशर एचपी टरबाइन से थोड़ी कम होती है। और बात करें एलपी टरबाइन्स की, तो इसमें टेम्परेचर एंड प्रेशर सबसे कम होता है। यहाँ पर मैंने आपको डाटा नहीं दिया है कि टेम्परेचर और प्रेशर कितना होता है। इसका रीज़न यह है कि प्रेशर एंड टेम्परेचर पावर प्लांट के कैपेसिटी पर डिपेंड करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर मान लीजिए दो पावर प्लांट हैं, एक 100 मेगावाट का है और दूसरा 500 मेगावाट का है, तो दोनों पावर प्लांट के टरबाइन का प्रेशर एंड टेम्परेचर डिफरेंट होगा। फिर भी आपके समझने के लिए मैंने 660 मेगावाट पावर प्लांट का एक डाटा दिया है, जिसे आप स्क्रीन में देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे टरबाइन के साइज़ की। तो हमारा एचपी टरबाइन साइज़ में सबसे छोटा होता है और आईपी टरबाइन मीडियम साइज़ का होता है। एंड बात करें एलपी टरबाइन की, तो साइज़ में यह सबसे बड़ा होता है। यहाँ तीनों टरबाइन के साइज़ में इतना डिफरेंस क्यों है? उसका रीज़न है स्पेसिफिक वॉल्यूम। बात करें एचपी टरबाइन की, तो वहाँ प्रेशर बहुत अधिक होता है, इसके कारण वहाँ स्पेसिफिक वॉल्यूम कम होता है, क्योंकि जितना अधिक प्रेशर होगा उतना कम स्पेसिफिक वॉल्यूम होगा। अगर स्पेसिफिक वॉल्यूम कम है तो साइज़ भी कम होगा। इसी तरह आईपी टरबाइन में प्रेशर मीडियम होता है। और बात करें एलपी टरबाइन्स की, तो वहाँ प्रेशर बहुत कम होता है और स्पेसिफिक वॉल्यूम बहुत अधिक होता है, इसलिए एलपी टरबाइन का साइज़ बड़ा होता है। ये तीनों टरबाइन के स्टेजेस एक ही शाफ्ट पर 3000 RPM की स्पीड से रोटेट करती हैं, जो हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करती हैं। और इस मैकेनिकल एनर्जी से जनरेटर के थ्रू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। आई होप आपको टरबाइन की इन तीनों स्टेजेस के बारे में समझ में आ गया होगा। हम किसी और वीडियो में स्टीम पाथ के बारे में डिस्कस करेंगे, जहां हम MS लाइन, TRH लाइन और HRH लाइन के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। अपना समय देने के लिए धन्यवाद। देखिए।